जाएगी, इनकी पूरी जांच की जाएगी। अभी जो इस पार्क में हमें जो झूले मिले हैं उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है, और अभी जो ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, अभी जो त्यौहार आने वाला है हमारे मुस्लिम भाई बहनों का, तो उसकी पूरी उचित व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की, जिस तरह से यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो पूरी नगर निगम की टीम है और पूरा सहयोग रहेगा उस दिन के लिए, 15 या 16 में जो नमाज होगी, तो पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अग्रसित है। मैडम काफी टाइम हो गया, सौंदर्यीकरण मट्टी लग रही है, काफी सीधे 4-5 महीने हो गए हैं और 50 लाख का प्रोजेक्ट है सौंदर्यीकरण के लिए, इतना बड़ा क्षेत्र पर भी लगे और इतना टाइम पीरियड हो गया, अभी तक सौंदर्यीकरण पूरा नहीं होता। देखिए पूरा जोर दिया जा रहा है, जो ठेकेदार हैं उनको कई बार नोटिस भी दिए गए हैं, और ज्यादा ही कुछ करेंगे, अगर हमें काम संतोषजनक नहीं लगता है तो हम ठेकेदार को प्लेटिस। अभी जैसे आपके सामने नगर आयुक्त साहब ने बोला था कि इस्टीमेट में पेच वर्क का काम है, क्या 50 लाख रुपए का जो बजट आया है उसमें केवल पेच वर्क सौंदर्यीकरण होगा? कहीं पेच वर्क का काम है लेकिन कहीं पूरा काम भी किया जाएगा, जो नया काम दिखना चाहिए। 50 लाख का जो एस्टिमेट है, हमारे पूरे शहर से जनता आती है, जो गांधी पार्क है, बहुत पॉश कॉलोनी में हमारा ये पार्क है, तो हम चाहते हैं एक तस्वीर बदली हुई नजर आए, ताकि जनता में नया संदेश आए, जो जनता का पैसा है जनता के हित में लगे, और कई जो हमारे लोग पूरे शहर से आते हैं वो भी उस चीज की तरफ। लगभग कैसे क्या माना जाए, कितना टाइम मैं पूरा होने की? देखिए अभी उन्होंने टाइम दिया है 1 मंथ एटलीस्ट लगेगा, एप्रोक्स काम हो रहा है, और जल्दी से हम इनको और अच्छे से अल्टीमेटम देते हैं, ताकि जल्द से जल्द ये काम हमें पूरा कर सकते।